छोटी प्यारी सैम। और जो लोग इस चैनल पे नए आए हैं उनके लिए आई नो आप लोग Q&A वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे ना, बट आज जो मैं करने वाली हूँ ना उसके लिए चुम्मा ही दे दो आप मुझे। मैं करने वाली हूँ अपना पहला प्रैंक, वो भी किस पे? भाविन पे। क्यों, क्या, कैसे? चलो देखते हैं। आई एम गोइंग टू कॉल भाविन राइट नाउ। हाय, कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, तुम बताओ? ठीक तो नहीं लग रहे हो तुम, क्या हुआ? ये वैक्सीन यार। ये वैक्सीन और बनो बाहुबली। भावेन भानुशाली बने बाहुबली। यार मुझे लग रहा है कि ना मेरे को कभी कोरोना हुआ नहीं होगा वैसा, तो इस वजह से ना वैक्सीन पूरा असर किया। पूरा असर ही कर गई। हाँ, जो तुम बोलते रहते थे ना पहले कि मुझे तो आके गया होगा, वो सच नहीं है। तुम्हारे ऊपर भगवान शिव जी की कृपा है। हाँ हाँ, सॉरी मैंने तुम्हें इतनी रात में कॉल किया। एक्चुअली बात ही थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने कॉल किया। यार मेरे को समझ नहीं आ रहा था कैसे बोलूं थोड़ी। हाँ मतलब मुंह से ही बोलूंगी, बट थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है ये, पता नहीं तू कैसे। हाँ अटपटी बात है। क्या क्या क्या, समझा नहीं मेरे को। बात अटपटी है। हाँ बात अटपटी सी है थोड़ी, मतलब मेरे को एक सांस में ऐसा बोल दो। नहीं यार मेरे को थोड़ा सा डर लग रहा है, अजीब लग रहा है थोड़ा। ये तुमको बताना सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा, तो मैंने सोचा तुमसे ही बात करूं, क्योंकि और किसी से बात करने का मुझे समझा भी नहीं इसके बारे में। विशाल से ही तो नहीं कर सकती, इसलिए तो तुमसे करना है, उसी की ही बात है एक्चुअली। क्या हो गया? विशाल मुझे बोला कि he has feelings for me। अच्छा, वो वीडियो तो मैंने नहीं देखा। नहीं वीडियो नहीं, वीडियो में तो उसने बोला, पर वो तो प्रैंक था। पर एक्चुअली वो कंटेंट उसके दिमाग में ही इसलिए आया क्योंकि वो सच है, और उसने मुझे ये बोला बाद में। अरे तुम लोग ना ये यूट्यूबर क्या है? अरे नहीं तो तुम्हें मजाक लग रहा है। मैं मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं सीरियसली बोल रही हूँ, सच में। तुम्हें विश्वास, एक मिनट रुको, तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा ना? अभी तुम तो प्रैंक कर रहे हो, क्या बात हुई? अरे वो प्रैंक मेरे पे किया था, फिर उसके बाद मुझे सच में बोला ये। फिर से प्रैंक कर रहा हूँ? नहीं प्रैंक, एक बार ही प्रैंक करने के बाद दोबारा क्यों प्रैंक करेगा? क्या बोल रहे हो? रुको मैं तुमको एक बार ही वॉइस नोट भेजती हूँ, तुम सुनो, तुम वो से यकीन होगा। रुको, लो भेजा मैंने तुमको। मैंने म्यूट किया है। यार भाविन को प्रैंक करना कितना डिफिकल्ट है, वो कोड उसको एक सेकंड में पता चल गया कि मैं उसके लिए वीडियो बना रही हूँ। शिट, आई ट्राई माय बेस्ट, देखते हैं क्या होता है। स्पीकर पे सुनना, मेरे को भी पता चले। वो तो मैंने वीडियो में बोल दिया है यार, व्लॉग करने के लिए सब वीडियो में बोल दिया, पर ये सब सच है, सच्ची बोल रहा हूँ मैं सच में ऐसा फील करता हूँ। और बोलना था मेरे को बहुत टाइम से, मैंने सोचा व्लॉग भी बना लेता हूँ, बट ये रियल था मैं जो भी मैंने बोला। क्या क्या हो गया?
सुना क्या सोच रहे हो? नहीं पता नहीं क्या कर रही है। मैं तुमको बोल रही थी ना, कब बोल रहा इसने? ये इसने मेरे को जिस दिन प्रैंक किया ना वीडियो, जिस दिन शूट किया उसके बाद उसने मेरे को ये भेजा। उसके बाद फिर हमारी बात हुई, मैंने उसको बोला कि ऐसा ऐसा तू क्यों सोच रहा है ये सब। मेरे को लगा, मेरे को भी यही लगा कि वो वापस से मेरे ऊपर प्रैंक कर रहा है, डबल मतलब प्रैंक के बाद डबल प्रैंक कर रहा है, मेरे को भी ऐसे ही लगा। बट फिर वो नहीं था, वो एक्चुअली में बोल रहा था मुझे ये। मैंने तो अभी ऐसा कुछ किया ही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं किया, विशाल ही कर रहा है जो कर रहा है अभी तक। मुझे तो मेरा क्या, मेरा मेरा कुछ, मेरे को नहीं पता यार, मैं क्या बोलूँ। मतलब वैसे तो ऐसे मेरे कुछ ऐसी फीलिंग है नहीं, उसको बुरा लग जाएगा मैंने मना कर दिया तो। और हाँ मैं कर नहीं सकती क्योंकि यार ऐसे कैसे, मतलब पता नहीं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। जैसे एक साइड में ये सोच रही हूँ कि विशाल ठीक ही है, लड़का अच्छा है, कोई बुराई भी नहीं है, पर एक तरफ एक हमारी ये दोस्ती है और फिर सब इतना कॉम्प्लिकेट हो जाएगा तो कैसे। मतलब मेरे को तो मैं इसलिए मैंने वो देखो मेरे को भी नहीं बताया विशाल ने अब वो शायद ऐसी बात होगी कि तुम्हें उसको उसको लग रहा होगा कि वो मुझे भी बताने में डर रहा था तो वो मेरे को भी डरते डरते ही कॉल किया बाद में, जब वीडियो का उसने शूट कर लिया प्रैंक उसके बाद वो मुझे एकदम डरते डरते कॉल कर रहा था। तो कुछ है उसके लिए? नहीं यार मुझे तो नहीं, मेरे को तो मतलब ऐसा कुछ मैंने सोचा तो नहीं है कभी ऐसा, पर पता नहीं मैंने सोचा ही नहीं कभी। मैं सोचा कि एक ही बात बोलूँगा, देखो आज बुरा लग जाए वो ज्यादा बेहतर है कल बुरा लगने से। और जब रिश्ते टूटते हैं तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं, तो फिर सेम नहीं रहे। अगर ऐसा कुछ मैं नहीं बोल रहा ऐसा कुछ हो जाएगा फ्यूचर में, बट तुम एकदम गट फीलिंग नहीं है किसी के लिए, तो आई डोंट थिंक उसको हमें मिलकर समझाना चाहिए अभी बैठ के, अगर तुम्हें नहीं है तो। क्योंकि अगर तुम ऐसे अभी इंटेंस को अपने फॉलो करोगी तो मैं नहीं चाहता कि आगे जाके चीजें खराब हो, जिससे मैं मतलब मैं ऐसी कोई भी चीज नहीं चाहता मुझे तुम दोनों में से किसी एक को खोना पड़े। मैं ऐसा कल कुछ मुझे चॉइस ही नहीं चाहिए कि यार या तो उसको चुप गया तो उसको चुप गया, सब होता है तुम्हें पता है। मतलब अगर ऐसा कि अगर मैंने हाँ किया तो बोल रहे हो तुम? मतलब हाँ किया तो अगर चीजें अगर बिगड़ गई तुम दोनों के बीच तो फिर सिर्फ तुम दोनों के बीच में नहीं बिगड़ेगा। हमने हमेशा से डिसाइड किया था हेल्थ टीम टिकाना कि दोस्त रहेंगे तो बहुत आगे बढ़ेंगे, खुदा ना खास्ता कभी डिफरेंसेस आ गए तो सिर्फ वो एक रिश्ता नहीं टूटता है, पूरी फ्रेंडशिप का असर पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर तुम्हें बहुत ज्यादा गट फीलिंग नहीं हो तो उसको बैठ के समझाते हैं आज बुरा लग जाए वो बेहतर है कल बुरा लगने से ज्यादा, ये बहुत ज्यादा इमोशनल हो रहा है बेचारा। मैं ये प्रैंक को यहाँ पे खत्म करती हूँ, उसको बोलती हूँ कि ये प्रैंक था ठीक है, क्योंकि अलग लेवल पे हो गया अभी, बट ही गॉट प्रैंक। हाँ जी, तो अभी देखो तुमसे बात कर रही थी ना, तुमसे बात करते करते ही उसने मेरे को देखो एक और वॉइस नोट भेजा है, मैं तुमको भेजती हूँ, रुको देखो सुनो तुम, मैंने भी नहीं सुना अभी। अबे ये बात देखो, मैंने तुमको पहले ही क्या बोला था पर कितना पहले ही बोला था ये तुम वीडियो बनाते भाविन, कितना इमोशनल
अभी हॉस्टल मैं तो एक समझदारों वाली सलाह दे रहा था। समझदारों वाली सलाह मैं नहीं दूंगा तो कौन देगा तुमको सलाह? विशाल विशाल को समझाना चाहिए, वो गलत सोच रहा है वो। मैं बताओ मैं क्या बोलूं, मुझे एक कहीं ना कहीं गलत फील थी, ये वीडियो तो नहीं बना रही। अच्छा तो तुम बहुत इसलिए सोच समझ के आंसर दे रहे थे सारे। अरे सोच समझ के क्या, मैंने तो दिल के आंसर दिए सर। खत्म। चलो ठीक है ठीक है, तो I am so happy finally you got pranked. तुम्हारा भी कटेगा बिल्कुल, I'll be ready for that. But आज तो हो गया ना, आज तो मैंने भाविन को prank कर दिया। ये तो भरोसा है, पर वो तो तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा है ना, इसलिए तुम prank हो गए, नहीं तो शायद नहीं होते। ठीक है ओके बाय बाय। देखा आपने, ये मिस्टर बाहुबली को कन्विंस करना कितना डिफिकल्ट है यार। मतलब एक बारी को मुझे ऐसा लगा ना कि गई भैंस पानी में, नहीं हो रहा भाई, ये होगा ही नहीं, मतलब मैं नहीं कर पाऊंगी। बट भाई लड़की ने तो यारी करी थी तगड़ी, होम वर्क करके आई थी बहन, आई पुल्ड इट ऑफ, कर लिया मैंने भाविन को प्रैंक। बहुत मजा आ गया ना, और ये मजे आपको और आते रहेंगे। नेक्स्ट ट्यूसडे को तो मेरी वीडियो आ ही रही है क्यों एन ए वाली, पर एक छोटू मोटू सरप्राइज आपको मिलने वाला है थर्सडे को भी। तो ये अगर आप सरप्राइज मिस नहीं करना चाहते तो आपको पता है क्या करना है, समझो ना हिट द बेल आइकन ताकि मेरी वीडियो आप मिस ना कर दो। आई रियली होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट एंड वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो। योर सैम लव्स यू।